प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक गणितज्ञ और सुकरात के शिष्य एवं अरस्तु के गुरु थे। पश्चिमी जगत की दार्शनिक पृष्ठभूमि को तैयार करने में इन तीन दार्शनिकों की त्रयी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी जगत में उच्च शिक्षा के लिए पहली संस्था अकेडमी की स्थापना का श्रेय भी प्लेटो को ही जाता है। उन्हें दर्शन और गणित के साथ साथ तर्कशास्त्र एवं नीतिशास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। इस दर्शन शास्त्री का जन्म एथेंस के एक समृद्ध और राजनीतिक परिवार में हुआ था। प्राचीन सूत्रों के अनुसार महान विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म एथेंस में 429 या 423 BCE में हुआ था। उनके पिता का नाम अरिस्टो था। तो आइए आज ऐसे महान दार्शनिक के अनमोल व प्रेरणादायी विचारों को सुनते हैं। समझदार व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए या दूसरों से बांटने के लिए कई अच्छी बातें होती हैं, लेकिन एक बेवकूफ़ व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ न कुछ बोलना होता है। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जीत होती है। दुनिया में तीन किस्म के लोग होते हैं। पहले वो जो बुद्धिमान बनना चाहते हैं, दूसरे जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा से प्यार है, और तीसरे जो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम सब में ऐसी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है या हमारे पंख काटकर आगे बढ़ने के रास्ते बंद भी कर सकती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी ताकत अपनाते हैं। किसी व्यक्ति के लिए स्वयं पर विजय पाना सभी जीतों में सबसे पहली और महान है। अच्छे कर्म स्वयं को शक्ति देते हैं और दूसरों के अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। मैंने कभी भी कोई करने योग्य चीज़ संयोग से नहीं की, ना ही मेरे कोई आविष्कार इत्तेफाक से हुए, वो काम करने से आए हैं। मनुष्य द्वारा किया गया अच्छा व्यवहार उसे ताकत देता है और दूसरों को उसी तरह से अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत सारे अधूरे काम करने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा ही काम करें, लेकिन बेहतर तरीके से करें। एक नायक 100 लोगों में एक पाया जाता है, एक विद्वान व्यक्ति हजारों में एक पाया जाता है, लेकिन एक परिपूर्ण व्यक्ति शायद लाखों में भी ना मिले। जिस प्रकार सबसे तेज आवाज एक खाली बर्तन करता है, उसी प्रकार मूर्ख लोग सबसे ज्यादा डींगे हाँकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का दोस्त नहीं हो सकता है जिससे उसे प्यार ना मिले। एक व्यक्ति को कभी भी इन दो बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। पहली वह किन लोगों की सहायता कर सकता है और दूसरा वह किन लोगों की मदद नहीं कर सकता है। घटिया लोगों द्वारा हुकूमत को स्वीकार करना आपके राजनीति में भाग लेने से मना करने के दंड में से एक है। सोचने का मतलब है कि आपकी आत्मा खुद से बातचीत कर रही है। हम सब में ऐसी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है या हमारे पंख काटकर आगे बढ़ने के रास्ते बंद भी कर सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी ताकत अपनाते हैं। समस्या यह नहीं होती है कि बच्चे अंधेरे से डरते हैं, बल्कि समस्या तो यह होती है कि बड़े लोग उजाले से डरते हैं। कोई भी अच्छा निर्णय जानकारियों पर निर्भर करता है, आंकड़ों या संख्याओं पर नहीं। बिना कर्म किए कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि चाहे जमीन कितनी ही उपजाऊ क्यों ना हो, बीज बोए बिना उसमें फसल नहीं उगाई जा सकती है। फसल उगाने के लिए कर्म करना ही पड़ता है। काम की शुरुआत करना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो आदमी अच्छा है उस आदमी के साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता है, ना तो इस जीवन में और ना ही मरने के बाद। समझदार व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए या तो दूसरों से बांटने के लिए कई अच्छी बातें होती हैं, लेकिन एक बेवकूफ़ व्यक्ति केवल इसलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। जो व्यक्ति अच्छा काम करना नहीं जानता, वह दूसरों से अच्छा काम कराने का हुनर भी नहीं रख सकता है। कोई भी अच्छा निर्णय जानकारियों पर निर्भर नहीं करता है, आंकड़ों या संख्याओं पर करता है। सभी इंसान प्राकृतिक रूप से एक जैसे होते हैं। ईश्वर ने भी सबको समान मिट्टी से बनाया है। चाहे हम लोग स्वयं को कितने ही धोखे में रख लें, लेकिन ईश्वर को जितना प्रिय एक अमीर है, उतना ही प्रिय एक गरीब भी होता है। किसी अच्छे कार्य को बार बार करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। जो लोग अच्छे सेवक नहीं होते हैं, वो लोग अच्छे मालिक भी नहीं बन सकते हैं। जो लोग महान बनना चाहते हैं, उन लोगों को ना तो खुद से और ना ही अपने काम से प्रेम करना चाहिए। उन लोगों को बस जो उचित लगे उसी से ही प्रेम करना चाहिए, फिर चाहे वो खुद के द्वारा या किसी और के द्वारा किया जाए। जिस समाज में कोई अमीर या कोई गरीब नहीं होता है,
वहाँ लोगों में सिर्फ अच्छे संस्कार पाए जाते हैं। मनुष्य का आकलन इस बात से किया जाता है कि वह ताकत मिलने के बाद क्या करता है। सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समान हैं, एक ही मिट्टी से एक ही कर्मकार द्वारा बनाए गए, और भले ही हम खुद को कितना भी धोखे में रख लें, पर भगवान को जितना प्रिय एक सशक्त राजकुमार है उतना ही प्रिय एक गरीब किसान भी है। कोई भी व्यक्ति किसी को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान एक साथ कई प्रतिभाओं में निपुण नहीं हो सकता है। जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें किसी कानून की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो लोग अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी से रहते हैं, जबकि जो लोग बुरे होते हैं वो कानून से बचकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का मार्ग निकाल लेते हैं। स्वतंत्रता की अधिकता चाहे वो राज्यों या व्यक्तियों में निहित हो, केवल गुलामी की अधिकता में बदल जाती है। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको काफी पसंद आया है। तो आपसे निवेदन है कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स पे अपना प्यार जरूर देके जाना। अगली वीडियो किस टॉपिक पे निकाली जाए जरूर बता के जाना। बाकी अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही महान लोगों के अनमोल व प्रेरणादायी विचार हमारे चैनल पर रोज सुनते रहें और अपने अंदर के मोटिवेशन को हमेशा जगाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।